इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ फ्रेंड्स कि अगर आपके पास है कोई सा भी दोस्तों आईक्यूब का मोबाइल और उसमें दोस्तों आपको एक सेटिंग देखने को मिल रहा है इनेबल अल्टरनेट फोन एस कॉन्टेक्ट का, तो दोस्तों ये सेटिंग क्या होता है और आप दोस्तों जो है इनेबल या फिर सेट करके इसका यूज कैसे कर सकते हैं अपने मोबाइल में, इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ। चलिए ज़्यादा समय ना लेते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, बट उससे पहले चैनल पर नए हैं चैनल सब्सक्राइब करिएगा, पास वाले नोटिफिकेशन बेल को दबाकर ऑल के ऑप्शन पर जरूर क्लिक करिएगा। चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों देखिए इस सेटिंग से दोस्तों होता क्या है, तो दोस्तों ये आपके फोन का एक ऐसा बेहतरीन सेटिंग होता है जिसको कि दोस्तों अगर आप जो है इनेबल करके और दोस्तों सेट करके जब आप इसे यूज करेंगे तो दोस्तों आप जो है अपने फोन में दोस्तों अपने फोन का पुराना वाला कॉल डायलर और दोस्तों पुराना वाला कॉन्टेक्ट जो है यूज कर सकते हैं। दोस्तों आजकल के नए फोनों में दोस्तों क्या होता है कि दोस्तों हर फोन में आपको दोस्तों जो है दोस्तों गूगल का ही डायलर आपको देखने को मिलता है। जैसे दोस्तों देखिए आजकल दोस्तों अगर आपने कोई भी नया फोन खरीदा है तो दोस्तों जब आप उसके डायलर में जाएंगे तो दोस्तों आपको जो है कुछ दोस्तों इस तरीके का डायलर आपको देखने को मिलता होगा। तो दोस्तों इसको जो है गूगल डायलर दोस्तों कहा जाता है। तो दोस्तों गूगल डायलर में दोस्तों क्या होता है कि दोस्तों इस डायलर में दोस्तों जो है बहुत ही कम फीचर दोस्तों होता है। तो दोस्तों अगर आप दोस्तों इस डायलर को हटाकर आप अपने फोन का दोस्तों पहले वाला डायलर दोस्तों यूज करना चाहते हैं या फिर दोस्तों चलाना चाहते हैं तो दोस्तों आप जो है अपने फोन का दोस्तों पहले वाला डायलर जो है आप दोस्तों चला सकते हैं अपने फोन में उस सेटिंग को इनेबल और सेट करके। अब दोस्तों देखिए कैसे आपको सेट करना है, चलिए मैं आपको बता देता हूं। तो इसके लिए आपको जाना है अपने आईक्यू मोबाइल फोन के सेटिंग में और सेटिंग में जाकर नीचे आना है। तो नीचे आने पर आपको ऑप्शन मिलता है ऐप्स का, ऐप्स पर आप क्लिक करेंगे और इसके बाद आपको आना है सबसे नीचे आपको ऑप्शन मिल जाता है इनेबल अल्टरनेट फोन एंड कॉन्टेक्ट का। तो इस पर आप दीजिए क्लिक कर। आप दोस्तों देखिए क्या होगा कि जैसे ही आप इस सेटिंग को इनेबल करके सेट करेंगे तो आपके फोन में दोस्तों जो है आपके फोन का कॉल डायलर का एक दोस्तों डुप्लीकेट डायलर जो है आपके फोन में दोस्तों बन जाएगा और एक दोस्तों जो है डुप्लीकेट कॉन्टेक्ट भी दोस्तों बन जाएगा, मतलब आपके फोन का दोस्तों पुराना वाला डायलर जो है बन जाएगा। अब चलिए दोस्तों मैं आपको दिखा देता हूँ कि आपको इसे इनेबल कैसे करके सेट करना है। तो देखिए इनेबल करने के लिए आप दोस्तों यहाँ पर दीजिए क्लिक कर और उसके बाद दोस्तों आपको यहाँ ओके पर करना है क्लिक और उसके बाद आपको यहाँ सेट नाउ का ऑप्शन मिलता है तो इस पर दीजिए क्लिक कर। या दोस्तों अगर आप नीचे आएंगे तो दोस्तों देखिए यहाँ पर भी आपको सेट नाउ का ऑप्शन जाएगा मिल, तो आप यहाँ सेट नाउ पर क्लिक कर दीजिए और दोस्तों देखिए यहाँ पर आपका फ़ोन दोस्तों सेलेक्ट होगा। तो आपको क्या करना है कि दोस्तों नीचे आपको एक और फ़ोन का ऑप्शन दोस्तों मिल जाएगा, तो आपको क्या करना है कि आपको दोस्तों यहाँ जो है फ़ोन वाला ऑप्शन देना है सेलेक्ट कर। तो आप देख सकते हैं मैंने सेलेक्ट कर दिया है। अब दोस्तों चलिए मैं आपको देता हूँ दिखा। तो दोस्तों अब आप देख सकते हैं कि दोस्तों हमारे फ़ोन में जो है पुराना वाला डायलर आ चुका है और अब दोस्तों देखिए अगर हम अपने पुराने वाले डायलर को दोस्तों यूज करेंगे तो अब आप यहां पर देख सकते हैं कि दोस्तों आईक्यू मोबाइल फोन में पहले जो डायलर होता था गूगल डायलर नहीं होने पर तो दोस्तों वो डायलर जो है आ चुका है। और दोस्तों इस डायलर का दोस्तों फायदा क्या होता है कि दोस्तों अगर आप यहां 3 डॉट पर क्लिक करेंगे और कॉल सेटिंग पर क्लिक करेंगे तो आप दोस्तों यहां से जो है बहुत से फीचर को यूज कर सकते हैं कॉल करने के लिए या फिर दोस्तों कॉल की सेटिंग करने के लिए। तो दोस्तों यहां से आप दोस्तों कुछ ऐसे फीचर को दोस्तों यूज कर सकते हैं जो फीचर की दोस्तों गूगल डायलर में नहीं होता है। तो अगर आप दोस्तों पुराना वाला डायलर यूज करेंगे तो इसमें दोस्तों आपको जो है बहुत से ज़्यादा फीचर आपको दोस्तों जाएगा मेल। और चलिए मैं आपको दोस्तों देता हूँ दिखा। तो दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हैं एक दोस्तों बन गया हमारे फ़ोन का यहाँ पर दोस्तों क्लोन डायलर और हमारे फ़ोन का एक दोस्तों कॉन्टेक्ट का भी दोस्तों एक दोस्तों पुराना कॉन्टेक्ट क्लोन बन गया है। तो दोस्तों अब मैं आपको बता देता हूँ कि दोस्तों अगर आपने दोस्तों अल्टरनेट फोन और कॉन्टेक्ट को अपने फोन में सेट करके ऑन कर दिया है उसके बाद दोस्तों अगर आप अपने फोन में गूगल डायलर में जाएंगे तो दोस्तों वो जो है यहां पर ओपन नहीं हो पाएगा,
इसमें आने के बाद सिर्फ यहाँ पर आपको सेट एस डिफॉल्ट का ही ऑप्शन देखने को दोस्तों मिलेगा। मतलब अब आप जो है अपने फोन के गूगल डायलर को यूज दोस्तों नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आपने जो है एक दोस्तों अल्टरनेट फोन मतलब पुराना वाला डायलर आप जो है अपने फोन में यहाँ पर दोस्तों सेट दोस्तों कर लिए हैं। लेकिन दोस्तों अगर आप अपने फोन के दोस्तों गूगल कॉन्टेक्ट वाले ऐप में दोस्तों जाएंगे तो आप दोस्तों यहाँ से जो है गूगल वाला कॉन्टेक्ट ऐप भी दोस्तों यूज कर सकते हैं। और दोस्तों जो आपने दोस्तों कॉन्टेक्ट कॉन्टेक्ट दोस्तों बनाया है पुराना वाला, तो अगर आप दोस्तों उस कॉन्टेक्ट में भी जाएंगे तो दोस्तों उस कॉन्टेक्ट को भी आप यहां से यूज दोस्तों कर सकते हैं। मतलब दोस्तों कॉन्टेक्ट चाहे आपका दोस्तों गूगल वाला हो या फिर दोस्तों बनाया हुआ, दोनों को आप यूज कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों कॉल में यहां पर क्या होगा कि दोस्तों अगर आप दोस्तों गूगल डायलर में जाएंगे तो आपका गूगल डायलर यहां पर काम दोस्तों नहीं करेगा। सिर्फ आपने जो अल्टरनेट फोन डायलर बनाया है मतलब जो दोस्तों पुराना वाला डायलर बनाया है तो दोस्तों यही जो है काम करेगा। और दोस्तों इससे ही आप दोस्तों कॉल कर सकते हैं या दोस्तों कॉल की आप जो है सेटिंग कर सकते हैं। और फिर दोस्तों देखिए अगर आपको दोस्तों पुराना वाला डायलर हटाना है, मतलब ये जो दोस्तों आपके फोन में पुराना वाला डायलर बना है तो अगर इसको हटाना है तो उसके लिए भी आपको जाना है सेटिंग में, और सेटिंग में जाकर नीचे आना है और यहाँ ऐप्स पर क्लिक करना है, और उसके बाद सबसे नीचे आकर आपको यहाँ इनेबल अल्टरनेट फोन एंड कॉन्टेक्ट पर क्लिक कर देना है, और देखिए ये जो सेटिंग है इसको बंद कर देना है और फिर ओके पर क्लिक कर देना है। तो उसके बाद दोस्तों जो आपके फ़ोन में दोस्तों डायलर दोस्तों बना था पुराना वाला वो दोस्तों हट जाएगा। और अगर आप दोस्तों फिर अगर आप अपने फ़ोन के गूगल डायलर में आएंगे तो फिर आपका गूगल डायलर यहाँ पर जो है काम करना शुरू कर देगा, मतलब ये जो है एक्टिवेट हो जाएगा। इस तरीके से आप इस सेटिंग यूज कर सकते हैं अपने IQ के मोबाइल में। वीडियो पसंद आया है वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा।